अलग थी, इसलिए उस व्यवस्था के किसी पद को इसमें ला करके और कोई मेरिट नीचे ले जा करके हम नहीं कर सकते। या हम 20 बार कह चुके हैं, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार यही कहेंगे, इन बातों को इन लोगों को समझना चाहिए। ये लोग बार बार कहते हैं नहीं भर्ती कब करेंगे, आप कहीं और किसी और विभाग में इस तरह का सवाल कोई खड़ा कर रहा है? जो सरकार लगातार मिशन रोजगार चला रही हो, जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार नौजवानों को सरकारी और गैर सरकारी और स्वयं रोजगार के क्षेत्र में करोड़ों नौजवानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो जिस सरकार ने 4.25 साल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी हो, जिस विभाग ने 1,25,000 से शिक्षकों की अधिक भर्ती की हो, उसमें ये सवाल पूछना, भाई शिक्षकों की भर्ती छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर की जाती है, उसके नॉर्म्स हैं, जब जैसी जरूरत पड़ती है तब भर्ती की जाती है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं बताई जा सकती। ये कोई किसी धरना प्रदर्शन में एक समझौता पत्र साइन नहीं किया जा सकता कि कब भर्ती होगी, कितनी भर्ती होगी। इसलिए बार बार मैं अभ्यर्थियों से कहता हूं कि आप पढ़िए तमाम तरह की अन्य प्रदेश और केंद्र की सरकार में भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही है, इसमें शामिल होइए। इतनी गारंटी जरूर लेता हूं कि मोदी सरकार में और योगी सरकार में पूरी पारदर्शिता पूरी ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया हो रही है, जो योग्य है उनकी भर्ती होगी। इस तरह के धरना प्रदर्शन पर किसी के उकसाने पर किसी के भड़काने पर इस तरह से योग्य अभ्यर्थी समय बर्बाद ना करें। मैं एक मंत्री के रूप में भी, उनके बड़े भाई के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी, शुभचिंतक के रूप में भी ये कह रहा हूँ कि सब लोग अपने घर जाएं और अपनी पढ़ाई लिखाई करें। सरकार के स्टेटमेंट क्लियर है कि भर्ती नहीं होगी? नहीं। ठीक,